सलाम नमस्ते सुश्रीकाल केम छो माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पहले तो उसकी थिकनेस देखिए क्या मक्खन जैसा बना है। और आप क्या कहेंगे ये कि ये बिना लहसुन प्याज के बना है। अब नवरात्रि में वही बोरिंग खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर इस ड्यूरेशन में कोई मेहमान आ जाए, कोई खास लोग आ जाए, तो आप इसे फटाफट बना करके उनको भी खुश कर सकते हैं। इतनी रिच यम्मी टेस्टी रेसिपी और पता है बहुत कम समय में बना है। तो आइए देखते हैं हमने ये मखाना खोया पनीर मखनी ग्रेवी में कैसे बनाया। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम मखाने को रोस्ट कर लेंगे। मैं एक कप मखाने ले रही हूँ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। अब सेम कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच मैंने डाले देसी घी और उसमें डालेंगे 4 मीडियम आकार के टमाटर कटे हुए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप टूटे हुए काजू। टूटे हुए काजू ना मखनी ग्रेवी में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ते भी मिलते हैं और हमें तो सिर्फ स्वाद से मतलब है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद डालेंगे हम सेंधा नमक। अगर ये रेसिपी आप नॉर्मल दिनों में बना रहे हैं, व्रत में नहीं बना रहे, तो आप इसमें जो साधारण नमक होता है ना, आप वो डाल सकते हैं। लेकिन ये व्रत के लिए बना रही हूँ तो सेंधा नमक डालेंगे। डाल के अच्छे से मिला के थोड़ी देर कुक करके इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। सारी चीजों को मिला के इसको ढक करके टमाटर गलने तक हमें इसे पका लेना है। 2 से 3 मिनट में टमाटर गल जाते हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका एक बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। लेकिन एक काम और करना है आपको, पीसते वक्त ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना। इस तरह की मखनी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब करेंगे मसाले की तैयारी। 1 कटोरी में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी लेंगे। लाल मिर्च, मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच। 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, आप किचन क्रीम मसाला भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ले लें और 1 छोटा चम्मच भुना पिसा जीरा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसका एकदम रनी पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम ये पेस्ट इसलिए अभी यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि जब आप ऑयल में डालेंगे, पहली बात तो मसाले जलेंगे नहीं, सब्जी का टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी तरी वाली सब्जी बनाए ना, मेरी ये टिप जरूर करके देखिएगा। मसाले जल्दी पकते हैं और सब्जी का स्वाद जो है 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दें। 1 कढ़ाई में 1/2 चम्मच बटर डालेंगे। आप बटर को कम ज्यादा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 कुटी हुई छोटी इलायची, 2 से 3 लाल खड़ी मिर्चें और 1 तेज पत्ता और साथ में डालेंगे थोड़ा सा और देगी मिर्च। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे जो कि रोस्टेड है और थोड़ा सा बचा लेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों बचाए हैं। ये मैं बता दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि जब भी आप तेल में या देसी घी में या घी में जब डायरेक्टली कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च डालते हैं ना, तो उससे जो रोगन है ना वो बहुत अच्छा आता है। आपको ये टिप पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन फटाफट दबा दें। अब जो हमने मसाले तैयार किए थे इसको डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ही जल्दी ये देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। अब जो अभी हमने मखनी पेस्ट बनाया था ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस के, उसको डाल देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट हमें पकाना है और ये एक जरूरी प्रोसेस है। इस स्टेज पे बिल्कुल पानी मत डालिएगा, नहीं तो जो ग्रेवी का टेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। और लोग कहते हैं ना पानी पानी वाला स्वाद आता है सब्जी में, वही एक रीजन होता है कि लोग इसी स्टेज पे पानी ऐड कर देते हैं। इस स्टेज पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब चूंकि ये बहुत तेजी से छींटा मारता है और आप जल जाएंगे, इसलिए इस प्रोसेस को आप ढक्कन ढक करके इस मखनी ग्रेवी को पकाइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये मखनी ग्रेवी अच्छी लग रही हो, कुछ नया लग रहा हो, तो आप लाइक कर दें। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलेगा कि इसमें बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बीच बीच में चलाते रहें। ये देखिए कुछ इस तरीके से ना ये ग्रेवी पकड़ने लगता है।
अब क्या करना है, 2 मिनट के बाद आप इसमें खौलता हुआ पानी डालें, लेकिन एक एक चम्मच करके एक साथ पानी मत डालिए, थोड़ा पानी डालिए फिर थोड़ा चलाइए और फिर पानी डालिए और फिर थोड़ा चलाइए। कुछ ये ट्रिक्स होते हैं ना, अगर आप ये कर लेंगे एक बार तो किसी भी सब्जी को, चाहे वो पनीर का हो, चिकन का हो, मटन का हो, कोई भी ऐसी मक्खनी ग्रेवी जब बनाएंगे ना तो उसमें कोई भी कमियां नहीं निकाल पाएगा। पानी अच्छे से मिला करके इसमें जो हमने मखाने रोज किए थे उसको डालेंगे। और मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी मटर, मैं ये फ्रोजन मटर ले रही हूँ और ये तकरीबन 1/4 कप है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें ना थोड़े पनीर के टुकड़े भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, और आप चाहें तो मखाने मटर की जगह सिर्फ पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में सिर्फ मखाने हैं तो सिर्फ मखाने इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये खाली मटर से भी बनाया जा सकता है। तो है ना कितने फ़ायदे की ये ग्रेवी। इसके बाद हम डालेंगे इसकी जान, ग्रेट किया हुआ खोया, कद्दूकस कर लें खोए को, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आधा चम्मच मैं यहाँ शक्कर यानी कि चीनी डालूंगी, आप इसकी जगह शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ अमूल की क्रीम, लेकिन अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप घर की मलाई इस्तेमाल करें और इसको अच्छे से एक मिक्स दें। जब भी क्रीम ऐड करें ना उसके बाद आपको ग्रेवी बहुत देर नहीं पकानी है, क्योंकि उसके बाद क्रीम फटने लगता है। इसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, चूंकि ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें। अब जो आधा चम्मच हमने कसूरी मेथी बचाई थी ना ऊपर से डालें, ऊपर से डालने से अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप यहाँ चाहें ना तो आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और डाल दें। बस इसको अब ढक के चाय खोल करके 1 मिनट और कुक करेंगे। क्रीमी यमी सब्जी बन के रेडी है। लुक एट द कंसिस्टेंसी, क्या थिक है, क्या क्रीमी है, और देखने में जितनी खूबसूरत है ना उतना खाने में स्वादिष्ट है। इस ग्रेवी से आप बहुत ढेर सारी सब्जियां बना सकते हैं, जैसे आप इसमें ना बहुत सारे मिक्स वेज डाल सकते हैं, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, कभी पनीर, कभी इसमें सोया चंक्स डाल सकते हैं। सिर्फ एक इस ग्रेवी के साथ ना आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स, मलाई या क्रीम और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ गार्निश करें। शेयर करें नलिनीज़ किचन का ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत काम का है और ये एक्चुअली जनहित में भी है। अगर आप इसे शेयर करेंगे ना तो लोग बाहर कम जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में कम खाएंगे और वो सेफ भी रहेंगे, क्योंकि अभी पैंडेमिक का टाइम है, घर में ही बना करके रेस्टोरेंट वाली ग्रेवी का लुत्फ उठाएं। सभी खुश रहें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी कामना के साथ मैं नलिनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और अगली रेसिपी आपको कौन सी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप क्या चाहते हैं ये नलिनी आपके लिए बना के ले आए।